चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द मासेस मास ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई इज, रेशियो निकालना है एक्स और वाई के मासेस का। सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मान लो, ठीक है, ये जीरो वी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी है। अब यहाँ पर एक चार्ज है एक्स और यहाँ एक चार्ज है वाई, ये एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ से रेस से चलना शुरू कर रहा है, ये रेस पे है ये भी और वो भी चलना शुरू कर रहा है। यहाँ आते आते इन दोनों की वेलोसिटी कुछ हो गई, ठीक है, दोनों का मास अलग अलग होगा एम वन, इसको एम टू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई वो क्यू इंटू वी की वजह से हुई, जो वर्कडन हुआ इसके अक्रॉस, वर्कडन इतना ही तो हुआ क्यू इंटू वी, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिली यहाँ पर दोनों को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू इंटू वी की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट है। तो वेलोसिटी की बात करें तो टू के बाई एम होगा या वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू के बाई एम होगा, सही है ना, दोनों की वेलोसिटी करेक्ट है। अच्छा, अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, चार्ज दोनों का सेम है, इक्वल चार्ज, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी, मासेस अलग हैं तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, मासेस एक होते तो वेलोसिटी भी सेम होती, लेकिन मासेस हम कंसिडर करके चलते हैं कि डिफरेंट है। तो अब होगा क्या कि क्योंकि अब जैसे ही ये एक्सेलरेट हो गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी, ठीक है। मान लो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें इंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, वी से वी कट गया, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू टू के बाई एम है, तो यहां पर मैं यहां रख दे रहा हूं एम बाई क्यू बी टू के बाई एम, एम से ये कट के कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, टू के एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है क्यू इंटू वी के, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू इंटू वी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू मास रूट के अंदर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, ये क्यू है ध्यान रखना, तो ऊपर रूट में क्यू है, नीचे रूट के बाहर है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, अंडर रूट में टू वी एम, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं एक बार और, ध्यान से देखो, वन अपॉन बी बाहर कर दो, अंडर रूट में टू वी एम बाई क्यू हो जाएगा, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी कॉन्स्टेंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एम मास है, क्यू चार्ज दोनों का सेम है, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चार्जेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इट मींस आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम हो गया कि नहीं हो गया। इसको उल्टा भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम भी ले सकते हैं, या एम इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कर दो, या एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर रेडियस आर वन आर टू कैपिटल में दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट कह रहे हैं, कैपिटल आर वन अपॉन कैपिटल आर टू का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं इसको। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, देखो इसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।